नमस्कार एनबीसी के बॉलीवुड वक्त में आपका स्वागत है मैं हूं आपके साथ कनक माथुर दिल्ली में भारत यूथ डायलॉग इवेंट का शुरुआत की गई इस इवेंट में खास मेहमान के रूप में बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने शिरकत की इस इवेंट में स्वरा ने बताया कि कुछ महीने वह एक गांव में रही और गाँव वालों का रहन सहन और उनसे जुड़ी परेशानियों के बारे में जाना देखिये खास रिपोर्ट So I, I thought that you know it's an exciting new thing to do in your summer holidays. I was really looking to get a vacation, guys. Let's like be honest. <laughs> and I thought that uh, you know, in this, a little bit of learning will So I applied and I was assigned to the NGO Pradhan and to the Kesla project, which is uh, in the Hoshangabad district of Madhya Pradesh, where all of them were working. But I remember Amjad Bhai used to go, uh, so he was my boss. So I was made his और मैं बस बताना चाहूंगी कि चार दिन उन्होंने मुझसे बात ही नहीं करी बिकॉज like, तो लिया बड़ा लेट हो जाएगा हमने तो कहा था कि आ, 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 हमारी दस बजे की मीटिंग है तो ये उसकी तो उसका भी तो रोजगार है hmm. वो भी तो कमाएगा एंड सो आई स्टूपिड स्मॉल थिंग तो फिर हम वहां बैठे तीन घंटे क्योंकि वहां कोई आया नहीं वो आदिवासी वहां से आ रहे थे अपने गांव से जिनको भी निकलना था तो तीन घंटे हमने भाई मार रहे हैं वहां पे <laughs> ठीक है कौन से टाइम ही चले गए फिर वो आया भर भर के लोगों को नाव लेके आया फिर हम गए हमने बाइक चढ़ाई फिर हम दोनों दो तीन और लोग आए फिर उसने और वेट करो फिर हम वहां से गए और अंदर फिर हम गए वहां अंदर में एंड इट्स जस्ट इट्स इट इट्स नॉट अ बिग थिंग बट दैट डे इट मेड मी रियलाइज दैट प्रोसेस ऑफ वेटिंग

नहीं मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी आ, अच्छा अच्छी कोशिश है ये जो शहर और गांव के बीच में जो दूरी है उसको ब्रिज करने की और ऑफ़ कोर्स वो दूरी ज़्यादातर शहर की तरफ से है क्योंकि गांव में तो अक्सर मजबूरन मतलब लाइवलीहुड की मजबूरी के चक्कर में आपको शहर आना पड़ता है लेकिन शहर में गाँव को लेकर कई तरह के कल्पनाएँ होती हैं अक्सर मेरे जैसे यंग लोग जो शहर में पले बढ़े हैं वो एक्चुअली कुछ जानते नहीं हैं गाँव के बारे में सो आई थिंक कि ये जो एफ़र्ट है टी का और विलेज स्क्वायर का ये बहुत ज़रूरी एफर्ट है क्योंकि आज भी भारत की ज़्यादातर आबादी जो है वो गांव में ही रहती है या गांव से जुड़ी हुई है किसी ना किसी तरीके से तो हम कितने दिन तक इस असलियत से अपना मुंह फेर सकते हैं फेरना भी नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ जो हो रहा है वो अंत में हमारे को ही असर करेगा जैसे कि हमने फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ देखा या जैसे कि हमने कोरोना काल में जब लोगों को हमारे ही घरों में जो काम करें जो हमारी ज़िंदगी आसान बना रहे हैं जब उनके ऊपर आफत आई और उन्हें जाना पड़ा तो ऑब्वियसली आपके ऊपर इफेक्ट तो हो गई सीखने की कोशिश करें वो चीज़ जो आप नहीं जानते हैं वो असलियत जो आपकी आंखों के एकदम सामने नहीं है और अपने तर्क का इस्तेमाल करें आपको पढ़ाई लिखाई खास करके शहरी यूथ जो है अगर आपको पढ़ाई लिखाई और इतना टेक्नोलॉजी और इतना एक्सेस और इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इसका सही इस्तेमाल तो यही होगा ना कि अगर हम उस उससे अपने अपना ख़ुद का तर्क डिवेलप करें अपने खुद की आ, दिमाग का इस्तेमाल करें और कुछ ऐसा करें जिससे आपके निजी जिंदगी से बढ़कर किसी और एक इंसान का ही कुछ अच्छा हो जाए देखिए आई थिंक कि हम सबको उन मुद्दों पे बात करनी चाहिए जिन जिनके बारे में जिन पे हमें विश्वास है उन मूल्यों और आदर्शों के साथ खड़े रहना चाहिए जिन पे हमें विश्वास है मैं उतना ही करती हूँ कुछ ऐसा ग्रेट नहीं करती हूँ मैं थैंक यू थैंक यू सो मच तो आपने देखा कि स्वरा ने अपने गाँव का सभी के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे हमेशा सोशल इवेंट से जुड़ी रहेंगी अपने मूल्य और अपने आदर्शों पर जुड़ी रहेंगी बॉलीवुड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एन हिंदी न्यूज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें हमारी वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें